नमस्कार। यूपी के आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, अनियंत्रित ट्राली पलटने से युवक की हुई मौत। जी हां, आजमगढ़ जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के लुहसा में अनियंत्रित ट्राली पलटने से खेत में पानी चला रहे रमेश सरोज की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रमेश सरोज उम्र 35 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय जहली सरोज छाऊ गाँव का निवासी है। वह लुहसा स्थित मंगई नदी पुल के पास पूर्व विधायक आदिल शेख के खेत में शनिवार को पानी चला रहा था। लगभग 10 बजे वह पानी पीने के लिए खेत के किनारे बैठा। उसी समय छाऊ की तरफ से बेतरतीब ढंग से आ रही ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में रमेश सरोज आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के पास एक पुत्री पूजा 15 वर्ष, 3 पुत्र साहिल 10 वर्ष, समीर 7 वर्ष और सनी 5 वर्ष है। वहीं पत्नी शशिकला का रो कर बुरा हाल है। मौत की सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत पूर्व विधायक आदिल से पहुंचे और परिवार के लोगों को ढाढ़स बधाते रहे। मृतक 3 भाइयों में से दूसरे नंबर पर था। सूचना पर गंभीरपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया और ट्राली ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज़ के लिए आजमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट।